पति की कुंडली में पत्नी के लिए लिखा है तो पति खतरे में जी। और अगर बच्चे की कुंडली के अंदर माँ के लिए खराबी निकल आई तो खतरे में। तो ये बहुत बड़ी मिलकर के खराबी हो जाती है। और कई बार तो बेटा इन तीनों की कुंडली के अंदर दोष होता है, यानी कि बहन भाई की भी, पति की भी और बच्चे की भी। ऐसी माँ का हाल क्या होता है आपको क्या बताऊं बेटा, उसका स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि, उसके कर्म कभी अच्छे नहीं रह पाते। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। गुरुदेव आज मैं खुद ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है ना कि बच्चे की खुशी बदनसीबी का गम, अब इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग ही बताएंगे आप हमें। बेटा आज मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए लगभग 37 साल हो गए, ठीक है जी। तो बहुत सारे मामलों में तो मैं भी कन्फ्यूज हूँ, लेकिन जितनी स्टडी कर लेता हूँ, जिसको मैं एक्सपीरियंस में ले लेता हूँ, फिर वो चीज़ निकाल के मैं दुनिया को देता हूँ, ठीक है जी। अभी हमारे एक आचार्य पैनल की जब ऐड आती है उसके अंदर एक लेडी बोलती है कि गुरुजी ने बताया था कि घर के छोटे बच्चे की जन्म कुंडली के सारे उपाय कर लो तो समृद्धि आ जाएगी। हाँ जी, है ना। ये उसी संदर्भ में था, ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेटा। पीछे बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिनको बहुत गहराई से एनालाइज किया मैंने, जैसे एक लेडी का मेरे को कॉल आया, तो उसने अपनी जन्म कुंडली दिखाई, कहती गुरुजी मेरा पति मेरे से अलग रहने लग गया है और वो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं और बच्चा भी पूरी तरह ठीक नहीं है, और जबकि हमारी लव मैरिज हुई है और बच्चा होने से पहले हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद में ये सारी खराबियाँ शुरू हो गई। तो शौक था कि इसकी जन्म कुंडली में इतने बड़े खराब योग नहीं है कि ये डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स के लिए स्पेशली योग लगता है बेटा जी, ठीक है। तो ऐसा योग नहीं नज़र आया, मैंने उसके बच्चे की कुंडली मांगी तो वहाँ पर मेरे को सब क्लियर हो गया। और उससे पहले सालों से मैं इस चीज़ के ऊपर काम करता रहा था। ऐसी करते 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 हमने 250-300 कुंडलियों को इकट्ठा किया जो देखा भी। तो वहाँ से फिर समझ आया कि ये चीज़ आप सबको देनी बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये नहीं देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आकर के आप देखते रह जाएंगे कि हमारा भाग्य सुधर क्यों नहीं रहा, ये एक कमी रहेगी। इसीलिए बेटा हम इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर खुश नसीब बच्चा पैदा हो, अच्छे नसीब वाला बच्चा पैदा हो, राजयोग वाला, कि इसकी जन्म कुंडली में इतने बड़े खराब योग नहीं है कि ये डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स के लिए स्पेशली योग लगता है बेटा जी, ठीक है। तो ऐसा योग नहीं नज़र आया, मैंने उसके बच्चे की कुंडली मांगी तो वहाँ पर मेरे को सब क्लियर हो गया। और उससे पहले सालों से मैं इस चीज़ के ऊपर काम करता रहा था। ऐसी करते 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 हमने 250-300 कुंडलियों को इकट्ठा किया जो देखा भी। तो वहाँ से फिर समझ आया कि ये चीज़ आप सबको देनी बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये नहीं देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आकर के आप देखते रह जाएंगे कि हमारा भाग्य सुधर क्यों नहीं रहा, ये एक कमी रहेगी। इसीलिए बेटा हम इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर खुश नसीब बच्चा पैदा हो, अच्छे नसीब वाला बच्चा पैदा हो, राजयोग वाला बच्चा पैदा हो। लेकिन कुदरती तौर पे जब बच्चा आता है वो किसी एक ऐसे समय के अंदर आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां लिखी होती हैं। जैसे बुध अगर दूसरे घर में बच्चे का हो तो कई बार तो छोटी उम्र में, लगभग कितनी मैं कहूँ कि शायद 6-7 साल की उम्र में कई बार पिता चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, और जबकि छठा घर अच्छा ना हो, ठीक है। फिर
नहीं तो उस बच्चे की 17 साल की उम्र के अंदर या तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता है या फिर उसकी धन दौलत लुट जाती है। अब बच्चे की तो खुशी हुई कि बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, समझ गए, लेकिन देखो वो नसीब क्या लेके आए। फिर एक योग है कि चंद्रमा 5वें घर के अंदर हो, 12वें और 10वें घर के अंदर कोई ग्रह हो, खासतौर पर पापी। बेटा पिता का अपने ही भाई बंद पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है और रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेके होता है, और वो तो मामला खराब होता है, उसकी माँ को नींद ना आने की बीमारी या नसों की दिक्कत आ जाती है, समझे। अब माँ की कुंडली में ये योग हो ना हो, बाप की कुंडली में ये योग हो ना हो, लेकिन बच्चे की कुंडली में ये योग है, इसलिए उनको झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा आता है, बच्चा मंगल बध का पैदा हो जाए और 10वें घर में या भाग्य स्थान के अंदर वो मंगल बैठ जाए, इतना बुरा हाल करता है कि रुपए पैसे को लेके झगड़े होते हैं, अपनों के साथ में बनती नहीं है, उनके साथ में यहाँ तक के तकरार होते कि आपस में सर तक पड़ जाते हैं, हालत ख़राब होती है, नहीं तो भूत प्रेत के चक्कर पड़ जाते हैं, समझ गए। अब ये बदनसीबी का गम नहीं तो और क्या है, आपने तो खुशी मनाई मेरे यहाँ बच्चा हुआ, पार्टी भी दी उसकी, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको नहीं पता उसके नसीब में क्या लिखा और आगे जाके होना क्या है, और वहाँ पर हम दोष दे ही नहीं सकते क्योंकि एक तो बच्चा अपना और ऊपर से नसीब भी अपना, जी बिल्कुल, तो दोष कहाँ से। फिर तीसरा, इसके अंदर अगर सूर्य की खराबी बेहद ज़्यादा निकल आए, पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, बेटा अच्छा खासा संस्कारी बाप बच्चे के होने के बाद बदचलन हो जाता है, बीमार हो जाता है, या कामकाज को छोड़ देता है, बुरी आदतों के अंदर डूब के, ये बच्चे की कुंडली के अंदर योग आ जाए तो बाप का ये हाल होना है। ठीक है जी। तीसरी तरफ, दो लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो बदनसीबी के मारे हुए होते हैं और बहुत बार ये हालात बनते हैं ज़्यादातर। अभी मैंने माँ बाप का एग्जाम्पल दिया है सिर्फ, अब बात आ जाती है मामा की। मामा के हाल खराब करने वाले तो इतने ही योग हैं कि जहाँ भांजा या भांजी पैदा हुए उसके बाद मामा की कईयों की गृहस्थी खराब, किसी का स्वास्थ्य खराब, किसी का काम खराब, किसी की अपनी बुद्धि खराब, समझ गए। इस तरह के अनगिनत योग बनते हैं। अब किस किस की कुंडली में क्या बन जाएगा कुछ नहीं पता, समझ गए जी। इसके अंदर एक और योग आता है कि मंगल 6वें में हो, बुध 8वें में हो, समझ गए, चौथे घर में इनका असही घर नहीं बैठा हुआ, ग्रेविटी बैठा हुआ, तो माँ बच्चे से पहले ही पूरी हो जाएगी, ये योग बनता है जी। फिर उसके बाद में चौथे घर के अंदर चंद्रमा के साथ में दो ग्रह बैठ जाएं तो घर के अंदर कलह, खराबियां तरह तरह की ऐसी कि जिनसे कभी छुटकारा ही ना मिल पाए। आज ही एक कुंडली देख रहा था जी। उस बच्चे को मैंने कहा मैं तेरे पापा का क्या हाल है, कहता उन्होंने सुसाइड कर लिया कुछ दिन पहले। मैं चुप रहा, मैं कहा फिर तू कड़वा क्यों बोलता है इतना, कहता गुरुजी वो मुंह से निकल जाता है। मैं कहा बेटा मुंह से क्या, कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, मैं तेरे को अपनी कुंडली दिखा करके इसके उपाय करने चाहिए थे, मैं रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेके कितनी लड़ाइयाँ रही, कहता वो पिताजी की अपने परिवार वालों के साथ चली। फिर उनको कहा, मैं कहा तुम्हारे मकानों के सुख क्या है, कहता अब ये पिताजी का मकान था ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था, कहता 2 महीने में खाली करना है, हमारा मकान तैयार नहीं है, कहाँ जाए, कहता वो तोड़ के बनाना है, मैं तोड़ के बनाने से पहले ये उपाय कर लेना वरना फिर मामला ख़राब। तो ये सारी चीज़ें उसको बताई, ये सारी की सारी जो बातें वो बच्चे की कुंडली के अंदर थी जी। उसके पिता का जो जाना है और इस तरह से जाना वो भी उस बच्चे की कुंडली के अंदर था जी। फिर उसके बाद में मैंने उसे समझाया, मैं कहा जिस घर में कलेश ही रहेगा बेटा बुढ़ापे में तू अकेला रह जाएगा, मैं एक अकेला आदमी कैसे बुढ़ापा काटेगा, मैं कहा तू सोच के देख, जैसे तू छोटी छोटी बात के ऊपर इरिटेट होता है, गुस्सा करता है, छोटी छोटी माँ को डांटता है, बीवी को डांटता है, बच्चे को करता है, मैं ऐसे कब तक चलेगा। वो लड़का बिल्कुल चुप रहा और वाकई में उसने कहा कि हाँ ऐसा है। फिर उसको मैंने ये बात समझाई कि नहीं तूने बोलना नहीं,
ये उपाय कर, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा उसके पास, ठीक है ना। तो बेटा कोई भी इंसान अपने अंदर से स्वयं कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं ये ग्रह करते हैं। और एक बार ग्रह ने ठान लिया अच्छा करने का तो कोई रोक नहीं सकता, बुरा करने का तो कोई सुख दे नहीं सकता। हाँ, सुख तभी आएगा जब उस ग्रह का उपाय हो जाएगा, वरना मतलब ही नहीं उपाय हो जाए, मतलब ही नहीं पार हो जाए, समझे। यही कारण है कि कई बार अपनी कुंडली के उपाय करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती, काम तो हो जाते हैं लेकिन कमी फिर रह जाती है। वहाँ आपको बच्चों की कुंडली चेक करनी पड़ेगी और मामाओं का, उनको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा भांजा या भांजी पैदा होने के बाद से उसकी बदनसीबी शुरू हुई है। उस भांजे या भांजी की जन्म कुंडली देख के उसके उपाय अगर नहीं किए तो बेटा मामा टकरे मारता रह जाता है, उठ नहीं पाता कभी, समझ गए ना। तो इससे बड़ा बदनसीबी का क्या गम है कि आपको पता ही नहीं आपको कौन सा दुश्मन मार रहा है। बिल्कुल, हर कोई अपनी कुंडली देखता है, उससे सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन अब ये तो नहीं खोज है कि अगर बच्चे की कुंडली में ये खराबी के योग होंगे तो माँ को भी खराबी मिल सकती है, बाप को भी मिल सकती है। और माँ का तो एक और भी विडम्बना है, वो क्या है, माँ किसी की बहन है, किसी के यहाँ की बहू है जी, और किसी बच्चे की माँ है। तो ये तीन हिस्से ऐसे हैं कि अगर भाई बहन की कुंडली के अंदर बहन के लिए बुरा योग लिखा है तो बहन खराबी के दौर में, पति की कुंडली में पत्नी के लिए लिखा है तो पत्नी खतरे में जी, और अगर बच्चे की कुंडली के अंदर माँ के लिए खराबी निकल आई तो खतरे में। तो ये बहुत बड़ी मिलकर के खराबी हो जाती है। और कई बार तो बेटा इन तीनों की कुंडली के अंदर दोष होता है, यानी कि बहन भाई की भी, पति की भी और बच्चे की भी। ऐसी माँ का हाल क्या होता है आपको क्या बताऊं बेटा, उसका स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि, उसके कर्म कभी अच्छे नहीं रह पाते, इस तरह की खराबी हो जाए। और यही कारण था स्पेशली शायद कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने संस्कारों के अंदर एक बड़ी खास चीज बनाई थी, वो था मांग के अंदर लाल रंग का सिंदूर भरना, जिससे कि दिमाग शांत रहे, ठीक है, और दूसरा पांव के अंदर चांदी के बिछुए पहनना, जिससे कि औरतों का शरीर स्वस्थ बना रहे। क्योंकि चंद्रमा को सब ग्रहों की मां बोला जाता है और चंद्रमा पापी ग्रहों को काबू करने के लिए सबसे जरूरी चीज है और उसकी धातु है चांदी। इसीलिए औरतें चांदी की पाजेब, चांदी के बिछुए अपने पांव के अंदर पहन के रखती हैं, समझे। तो बेटा बच्चे की खुशी तो एक अलग चीज है कि हाँ हमारे घर में हुआ, लेकिन बदनसीबी कई बार वो माँ बाप या मामा की बन जाती है, कई बार दादा दादी की। क्योंकि बच्चे की कुंडली के अंदर 11वां घर दूषित हो गया, अगर मान लो राहु आ गया, खराब वाला आ गया, दादा ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारो तो 12 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, नहीं तो बीच में किसी भी रास्ते के अंदर, यानी कि पहले दूसरे पांचवें किसी भी साल के अंदर दादा की मृत्यु तय है जी। समझिए ना कि देखो कि कुंडली का असर इतना है कि इंसान अपनी कुंडली लेके पैदा हुआ है, लेकिन जब तुम्हारे घर में तुम्हारा ही खून आता है, तुम्हारा ही बच्चा आता है, उसकी कुंडली के अंदर का योग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। यही रीज़न था कि हमारे जितने पुराने राजे महाराजे रहे हैं, वो जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता था उसी दिन एस्ट्रोलॉजर को, अपने गुरुजी को वो बैठा लिया करते थे कि पहले ये बताइए कि जन्म कुंडली के अंदर कोई दोष तो नहीं है, और अगर कोई दोष है तो चाहे कितनी बड़ी पूजा हो, यज्ञ हो, पहले इसका निवारण कर दीजिए वरना दिक्कत बनेगी। ऐसा तो आप फिल्मों में भी देख चुके हैं, हमारे इतिहास में देख चुके हैं, हमारे शास्त्रों में देख चुके हैं, हर जगह तो भरा पड़ा है। और मज़े की बात यह है कि हम सनातनी होने के बाद, जो अपने आपको हिंदू भी बोलते हैं, ठीक है, कि अपने ही कर्मों के ऊपर नहीं चलते, अपनी बनाई हुई संस्कृति के ऊपर नहीं चलते, तो बेटा फिर दोष तो भोगने ही पड़ते हैं ना, है ना। अब कब तक यही आड़ लेते रहोगे कि एस्ट्रोलॉजी तो होती नहीं है, कब तक ये आड़ लेते रहोगे कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा मिलता नहीं है, है ना बेटा। अब तो तुम्हारे हाथ में है, वेबसाइट है तुम्हारे हाथ में, अपने बच्चे की जन्म कुंडली डालो, अपने भांजे की जन्म कुंडली डालो, अपने पोते की जन्म कुंडली डालो, ठीक है, देखो कि कहीं तुम्हारे लिए कोई खराब योग तो नहीं चल रहा।
अगर है तो उसका इलाज कर दो, प्रॉब्लम खत्म जी। समझ गए ना, इतना आसान है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि बच्चे के पैदा होने के बाद अगर काम खराब हुआ हो, स्वास्थ्य खराब हुआ हो, घर खराब हुआ हो, आदतें खराब हुई हो, जायदाद बिकी हो, कुछ भी बुराई हुई हो, तो बेटा ऐसे में अपनी कुंडली बेशक देखो, देखनी चाहिए, लेकिन साथ में बच्चे की कुंडली डाल करके ज़रूर देखो, जिसके बाद ये सब कुछ बिगड़ा है। समझे, अगर ये नहीं हुआ तो ये बदनसीबी का गम साथ के साथ चलेगा और बेटा कोई हल नहीं हो पाएगा। इसमें इतने मल्टीपल योग बनते हैं बेटा कि मैं यहाँ पर उपाय देने में असमर्थ हूँ मैं, क्योंकि उम्मीद के ऊपर उपाय नहीं देना चाहता कि नहीं मैं गुरुजी हूँ, मैंने उम्मीद भी दिखाई है, आज ये कंटेंट चलाया है तो इसका कोई ना कोई उपाय देना बनता है। नहीं, ये बिल्कुल सटीक उपाय ही आपको करना पड़ेगा, और वो जब तक आप उस बच्चे की जन्म कुंडली डाल के देखोगे नहीं, समझ गए, तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मामा हो, दादा दादी हो, माँ बाप हो जी, इन लोगों को बच्चे की जन्म कुंडली से अपने खराब हुए वक्त को ज़रूर जांचना चाहिए और उसका उपाय करो। देखिए दिनों में फ़र्क पड़ जाएगा और दिनों के अंदर खुशहाली आप सबके घर पे आएगी। खुश रहना।